हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में नाइट सूट का जो पैजामा बनाया था उसके साथ का टॉप आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने टोटल 1.25 मीटर कपड़ा लिया था, उसमें से 27 इंच में से हमने पैजामा बना लिया था और बचा हुआ ये कपड़ा हमारा है जिसे हम अब टॉप के लिए यूज़ करेंगे। देखिए इसकी जो लंबाई है लगभग 20.5 इंच है और चौड़ाई तो पूरे अर्ज भर की है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे टॉप के। हमने इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड किया है कि टोटल ये 9 इंच की चौड़ाई का डबल फोल्ड है। लंबाई वही है 20.5 इंच, जैसा आपको पहले भी हमने बताया। ये देखिए 20.5 इंच है। तो अब हम इसमें से पहले बैक पोर्शन की कटिंग करेंगे। ये डबल फोल्डेड कपड़ा है हमारा, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है इधर। तो सबसे पहले हम इस ऊबड़ खाबड़ हिस्से को हम पहले प्लेन कर लेंगे। तो हम स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच देंगे जिससे कि ये कपड़े की ऊपर की सरफेस बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे स्केल लिया और सीधी लाइन एक खींच ली। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, ये बराबर हो गया। अब हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे जो भी नाप हो उसका आधा ले लेंगे। हमने यहाँ 6 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद यहाँ आर्म होल की गहराई है जिस पे हमने 1.25 इंच पे मार्क किया है। 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप हम देंगे और यहाँ गले की माप हम 2.5 इंच पर लेने वाले हैं। गहराई आगे की तरफ हम लगभग 3 इंच लेंगे, बट अभी हम सिर्फ मार्क लगा रहे हैं। आगे की हिस्सा नहीं है, ये पीछे का हिस्सा है। हम आपको सिर्फ मार्क लगा के दिखा रहे हैं। इसके बाद चेस्ट की जो भी माप हो उसका 1/4 पार्ट लीजिए। हमने यहाँ 7.5 इंच लिया है, उस पर एक मार्क कीजिए और 1 इंच सीम अलाउंस का उसमें एक्स्ट्रा दीजिए। ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा किया, यानी 7.5 और 8.5 पे 2 मार्क लगाए। इसके बाद ऊपर से 11 इंच पे एक मार्क लगाइए, ये हमारी कमर की माप है। ये छोटे बच्चे का बन रहा है, 8 से 10 साल के बच्चे के लिए, तो उसके लिए 11 इंच बहुत। हमने 11 इंच पे मार्क किया। अब इस 11 इंच के मार्क पे यहाँ 7 इंच पे एक मार्क किया, ये कमर की माप का 1/4 भाग है और 1 इंच सीम अलाउंस का लिया। आप अपनी माप को ले लीजिए और नीचे हम पूरा 9 इंच रखने वाले हैं। तो सीम अलाउंस वाले जो मार्क्स हैं उनको हम आपस में इस तरह मिला लेंगे, एंड वाले मार्क को भी यूँ मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कर्व तैयार हो गया है। अभी हमें आगे का गला ना रख के पीछे का गला बनाना है, तो हम वो सिर्फ 1 इंच बनाएंगे। तो 1 इंच का हम इस तरह से लेकर और इस तरह से निशान लगा देंगे। ये पीछे का गला है, आगे का बाद में बनेगा। इसके बाद शोल्डर की निशान लगाने के लिए हम 1 इंच की इस तरह से एक मार्क लगाएंगे और यहाँ जो शोल्डर डीप था उसका 1/2 करेंगे, यानी हम लगभग 3 इंच से थोड़ा कम इंच पे मार्क करेंगे और फिर इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इससे एक गोलाई बन जाएगी, ये प्रॉपर गोलाई होती है जो नाइट सूट में बहुत सही है। इसके बाद हम पीछे के हिस्से के हिसाब से कटिंग करेंगे, यानी पीछे का गलत कट करेंगे। फिर यहाँ हमने 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप दिया था, उसको हम मैच कर मिला देते हैं गले के निशान से जो हम अभी नहीं मिलाया था। तो इसके बाद इसकी भी कटिंग कर लेते हैं और पूरे बचे हुए पीस को इसी तरह से जहाँ से मार्किंग है वैसे ही मार्किंग करके कर देंगे। आप इसे अपने नाप के हिसाब से बना सकते हैं। बस हमने जैसे यहाँ पर चेस्ट का 1/4 भाग, कमर का 1/4 भाग लिया है, वो आप ले लीजिए और उसमें 1 इंच सीम अलाउंस लीजिए। इसके बाद बचे हुए पीस को एक बार हमने फिर से डबल फोल्ड किया है, बट ये जो डबल फोल्डेड पीस है ये हमारे बैग के पीस से लगभग बड़ा है। देखिए बैग का पीस इस पर रखने पर ये यहाँ पर इतना बड़ा आता है। 1.5 इंच हमने ये एक्स्ट्रा रखा है आगे की पट्टी के लिए, क्योंकि आगे हम खुला बनाने वाले हैं। ये देखिए 1.5 इंच हमने इस तरह से ज़्यादा रखा है और हम अभी सिर्फ यहाँ साइड के मार्क लगा लेंगे जैसे कि बैक के पोर्शन में लगे हुए हैं। एकदम उसी के ऊपर ये जुड़े वाले साइड पर बना रहे हैं और ओपन साइड में गला हम बाद में बनाएंगे। गले की मार्क भी लगा ली और यहाँ पर शोल्डर स्लोप भी दे लिया है। तो इस तरह से मार्किंग हमने इधर से कर ली है। अब गले के पोर्शन के लिए हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमें गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक निशान लगा लेते हैं 2 इंच पे और उसके बाद हम
यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारा कपड़ा हमारे पास है जिसे हमें फोल्ड करके पट्टी बनानी है। तो हम सबसे पहले इस कपड़े को मेन बचे हुए कपड़े में से अलग कर लेंगे, यानी यहाँ से सीधे यू करके कटिंग कर लेंगे, फिर हम गला बनाएंगे। तो ये कटिंग करके मिलते हैं। तो हमने मेन कपड़े में से इसे अलग कर लिया है। अभी जो 1.5 इंच का बढ़ा हुआ कपड़ा है उसे हम फिर से वापस इस तरह से फोल्ड करेंगे। नाप के 1.5 इंच लेनी है और उसके बाद यहाँ पर इंची टेप की मदद से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब इस 2.5 इंच के मार्क को जहाँ पे शोल्डर का निशान था उससे थोड़ा सा हल्का सा गोलाई देते हुए यूँ मिला लेंगे। तो ये हमारे गले की निशान हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा थोड़ा गला रख सकते हैं, 3 इंच तक रख सकते हैं, हमने यहाँ 2.5 रखा है। तो ये इस तरह गला कट गया और उसके बाद शोल्डर स्लोप और पूरी कटिंग ऐसे ही हम जैसे मार्क पे है वैसे ही कटिंग करेंगे। और जुड़ी तरफ ये कटिंग आ रही है तो एंड में हमारा जुड़ा हुआ हिस्से आएगा जिसे हम अलग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग हो गई हमारी पूरी। अब हम इसको फोल्ड करके यहाँ बटन पट्टी बनाएंगे जिसमें हम बटन और काज बनाएंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो आगे के दोनों पल्ले और पीछे का पल्ला रेडी है। बस हमें इसमें कैसे लगाना है कॉलर वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो सिलाई हम करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम यहाँ पे इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग भी अच्छी आनी चाहिए। तो ये दोनों पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ बटन लगाना है। राइट साइड में बटन लगते हैं और लेफ्ट साइड की पट्टी पे काज, और यहाँ इस तरह से फोल्ड करके इस तरह का लुक आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा वो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये पट्टी मोड़ने से पहले हम इसे देखिए इस तरह सीधी तरफ यूँ मोड़ेंगे अपनी पट्टी को और यहाँ पर सीधी सिलाई देंगे। जो गोलाई है वो इसी तरह से सीधी तरफ फिर से अपनी पट्टी को सिलने से पहले मोड़ेंगे और यहाँ गले पे सीधी ये जो गोलाई है यहाँ सिल लेंगे। तब अभी गले की पट्टी जो हमने मोड़ के सिली थी इसे इस तरह से अंदर की तरफ पलट के सीधा कर लेंगे और इसके किसी नुकीली चीज़ की मदद से नोक निकाल लेंगे। और उसके बाद इसी पट्टी को यहाँ डबल फोल्ड करते हुए, पट्टी नहीं है तो ये इसी का हिस्सा, बट उसमें गला इस तरह से बना था कि वो उसी के साथ आती है। तो इसको इस तरह से हल्का सा डबल फोल्ड करते हुए हम पूरी लंबाई तक सिल लेंगे। इसी तरह दूसरे पल्ले में भी हम करेंगे। जो गले वाला हिस्सा सिला है उसको सीधा कर लेंगे। देखिएगा अभी इस तरह सिल गया। अभी दूसरा हिस्सा लिया और इसका ये गले का हिस्सा जो सिला है उसे अंदर की तरफ पलट लिया। और उसके बाद यहाँ तो हमारी जो लंबाई में लाइन होती है वही है, तो सीधा पूरा उसी के साथ इस हिस्से को भी यूँ सिलते हुए जाएंगे। इस तरह से आगे के पल्ले थोड़ा रेडी होंगे। अब ये पट्टी अंदर की तरफ मोड़ने के बाद पीछे का पल्ला लेंगे और उस पर शोल्डर दोनों के जोड़ेंगे। तो पीछे के पल्ले सीधा लेके उसके ऊपर उल्टा आगे के पल्ले रखेंगे और ये देखिए शोल्डर इधर की तरफ है और पट्टी बीच में रखेंगे हम आगे की तरफ वाली, और यूँ शोल्डर का जो स्लोप वाला एरिया है वो सिल लेंगे। यूँ एक हिस्सा जुड़ गया, दूसरा हिस्सा पट्टी अंदर की तरफ रखनी है यानी बीच की तरफ रखनी है और इधर भी शोल्डर सिल लेंगे। इस तरह से तीनों पल्ले एक साथ जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये दिख रहा है हमारी पट्टी अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। अब जहाँ से पट्टी मुड़ी है उस जगह से हम पूरा ये गोलाई को के सर्कमफेरेंस को नाप लेंगे। इंची टेप की मदद से नाप लेंगे और उसके हिसाब से ही कॉलर फिर बनाएंगे। जब हम यहाँ नाप रहे हैं तो हमारा ये लगभग 11 इंच आ रहा है, तो हम 1/4 इंच इससे ज़्यादा ले लेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो 12.5 इंच की हम बनाएंगे अपने कॉलर को। तो हमने जो बची हुई पट्टी थी उसे ले लिया है और उसको इस तरह से हम बराबर कर लेंगे डबल फोल्ड करके। लगभग ये 2.5 इंच की हमें चाहिए होती है, थोड़ी पतली है, आप अपनी कम से कम 2.5 इंच रखिएगा। और उसके बाद यहाँ 12.5 इंच पे यूँ रखते हुए
कट लगा लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कॉलर वाला एरिया। अब इस कॉलर वाले एरिया को हम रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, यानी अंदर सीधा है और ऊपर जो दिख रहा है वो उल्टा। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ 1 इंच, लगभग आधा इंच छोड़ते हुए यूँ 3 साइड सिलेंगे और इधर से भी आधा इंच छोड़ देंगे, यानी बंद साइड हम सिल रहे हैं। तो हमने ये पट्टी ले ली है, हम इसमें आधा इंच छोड़ के सिला, फिर फोल्डेड साइड में यूँ सिलेंगे। नीचे की तरफ आधा इंच हमने छोड़ दिया है लगभग, और ये फोल्डेड साइड में हम सिल रहे हैं। इसको एंड तक सिलेंगे यूँ, और फिर इधर घूम के सिलेंगे, आधा इंच छोड़ के सिलेंगे यहाँ। और ये इस तरह से 3 तरफ से सिल गई है। अब इसे पलट लेंगे धीरे से, और ये जो कोना आया है इसे किसी भी चीज़ से मदद से यूँ सिल लें, वो सीधा कर लेंगे। तो हम यहाँ पे थ्रेड रिपर यूज़ कर रहे हैं उसको सीधा करने के लिए। ये सीधा हो गया हमारा। हमने यहाँ दोनों साइड आधा आधा इंच सिलने में यूँ छोड़ा है, ये देखिए इधर भी छोड़ा है और इस तरफ भी छोड़ा है। वो इसलिए कि इसे मेन बॉडी में अब हमें जोड़ना है। अब हम इसको मेन टॉप पे सिलेंगे। तो पट्टी वाला हिस्सा जहाँ पे स्टार्ट हुआ है एकदम सीधी तरफ ही हम सिल रहे हैं। ये देखिए पट्टी वाला हिस्सा जहाँ से, सॉरी, उल्टी तरफ हमने ये रखी है इस तरह से, पट्टी वाला हिस्सा आधा इंच जो छोड़ा है वहाँ से ही हम एकदम लेंगे। उल्टी तरफ पे हम पहले सिलाई कर रहे हैं, और कॉलर का सिर्फ एक हिस्सा हम लेंगे, क्योंकि हमने आधा इंच छोड़ के सिलाई सिली है, तो उसी आधा इंच में ही हमें ये सिलाई करनी है। तो उल्टी तरफ से हम कॉलर का एक जो कपड़ा है वो सिलते हुए जाएंगे। पूरा हमने नाप के सिला है तो एकदम उसी के बराबर आएगा। ये एंड तक ऐसे ही सिलेंगे, और ये पट्टी के अंत ही तक आएगा, जहाँ तक पट्टी पहले वाली मुड़ी हुई है वहाँ तक हमें, वहीं से स्टार्ट किया है। बटन पट्टी जहाँ तक मुड़ी हुई है, और बटन पट्टी दूसरी वाली तक ही एंड कर देंगे। तो आप देखिए इस तरह से हो गया ये। अब ये सिल के इस तरह से आया है। अब दूसरी तरफ ये आधा इंच वाला हिस्सा इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, और बटन पट्टी जहाँ तक मुड़ी है वहीं पे ही आप देख पा रहे होंगे ये आया है। तो वहीं अब इस तरह से सीधी तरफ से फोल्ड करके हम सिल देंगे। ये सिलाई एक तरह से दाब सिलाई है। हम इसे बस आधा इंच जो हमने छूटा हुआ था वो पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक बटन पट्टी से दूसरी बटन पट्टी तक सीधा ऐसे सिलते हुए जाएंगे। याद रहे आधा ही इंच हमें अंदर की तरफ मोड़ना है। इस तरह से पूरे में सिल देंगे। तो ये हमारा कॉलर इसमें जुड़ गया है यूँ, देखिए। अब कॉलर को फिनिशिंग देने के लिए हम 3 जो बची हुई साइडें हैं, यानी जो बाहर वाली साइड है, उस पर एक बार फिर से सिलाई दे देंगे। ये इधर दी, फिर ये बाहर की तरफ दे रहे हैं। ये दाब सिलाई देने से फिनिशिंग अच्छी आती है, और फिर वापस यहाँ तक। अब हम धागे कट करके आपको दिखाते हैं फाइनल लुक कैसे दिखेगा ये हमारा कॉलर। तो इस तरह से देखिए हमारा ये कॉलर रेडी है, और हमने नीचे जो पट्टी पहले से मोड़ी थी उसको थोड़ा सा इस तरह मोड़ के इस तरह से लुक आता है, बटन पट्टी रेडी है। अब आस्तीन की तरफ ये जो हमने बायस टेप बनाई थी बचे हुए कपड़े में से, वो पूरे में ऐसे सिंगल सिंगल सीधी तरफ रख के, तो और ये भी पट्टी जोड़ने के लिए सीधे टॉप पे हमने उल्टी और ये भी पट्टी रखी है। सीधा टॉप है, उल्टी और ये भी पट्टी है, और इसे हम पहले इस तरह से सिलते हुए जाएंगे पूरा एंड तक गोलाई में, और उसके बाद इसे डबल फोल्ड अंदर की तरफ पूरा का पूरा कर देंगे। पाइपिंग नहीं बना रहे हम यहाँ, इस तरह पूरे में सिल देंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर देंगे, और दोनों आस्तीनों में ऐसे ही करना है। अब हम कैसे डबल फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से डबल फोल्ड किया पट्टी को अंदर की तरफ पूरी की पूरी, और फिर हम यूँ सिलाई दे लेंगे जिससे कि ये हमारा आस्तीन बन जाए। दोनों ही तरफ हमें ऐसे ही करना है। डबल फोल्ड पूरी की पूरी पट्टी हमने अंदर कर दी है, और उसके बाद उसके ऊपर एक सिलाई दे दे रहे हैं। आप चाहे तो 2 सिलाई भी दे सकते हैं, एकदम कगर पे और एकदम जहां हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने दोनों आस्तीन बनानी है। दोनों आस्तीन बना लेने के बाद इस तरह से हम साइड फिटिंग दे लेंगे।
एक इंच का सीम अलाउंस हमने दिया है, तो उसी हिसाब से पूरा साइड वाली फिटिंग हम दोनों तरफ ऐसे ही दे लेंगे। ये हमारी साइड फिटिंग करनी है। अब साइड फिटिंग के बाद जो नीचे की रॉ एजेस हैं उनको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे, जिससे कि ये टॉप हमारा फिनिश हो जाए, बस इसमें बटन लगाना रह जाए। तो हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके नीचे का भी पूरा ये हिस्सा फिनिश कर देते हैं। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई करते हुए जाएंगे। यानी हमने बीच के पोर्शन से स्टार्ट किया जहां हमने पट्टी मोड़ी है, और उसके बाद पीछे के पोर्शन, और फिर दूसरी आगे के हिस्से पर जहां पट्टी मोड़ी है वहां तक इस तरह डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर दी। अब ये देखिए, ये फाइनल लुक है हमारा। जो मुड़ी हुई पट्टी है वो भी थोड़ी सी मुड़ के आती है, उसको हमने इस तरह से रखा है देखिए, जिससे कि डिज़ाइन सा बन जल रहा है। अब हम यहाँ पे पहला मार्क लगाएंगे और नीचे तक हम दो दो इंच पर मार्क लगाएंगे बटन और होल के लिए। तो हमने फर्स्ट मार्क इस तरह से, हमारे यहाँ पे 6 बटन और 6 होल बनेंगे। तो हमने यहाँ पे 12 इंच तक पे निशान लगाया और फिर होल के लिए नीचे भी निशान लगा दिया। यहाँ हम बटन और होल लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये टॉप रेडी है, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है कॉलर वाले टॉप की। ये देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन बन के आता है। ये कॉलर के नीचे थोड़ा सा, और ये देखिए, इस तरह टॉप रेडी होने के बाद पूरा का पूरा नाइट सूट रेडी है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।